केले के पेड़ से संबंधित पांच ऐसे उपाय बताने जा रही हूँ जो आपको गुरु से संबंधित मजबूती देंगे, जो आपको बृहस्पति को पावर देंगे, जो आपके बृहस्पति को इतना सक्षम बना देंगे कि आपकी पढ़ाई में आ रही बाधा दूर होगी, विवाह संबंधी संकट भी टल जाएगा। हाय एवरीवन, माय नेम इज़ डॉक्टर उमा श्री। मैं अपने यूट्यूब चैनल अयोध्या व्लॉगर में आपका स्वागत करती हूँ। आई होप आप सब खुश होंगे, मैं भी बहुत खुश हूँ। मित्रों, आइए बताना प्रारंभ करते हैं। मित्रों, गुरुवार के दिन केले का सेवन नहीं करना चाहिए। केले के छिलके हमेशा अपने बगीचे में दबा दें। ये एक टॉनिक है जो हेल्थ के लिए, पौधों की हेल्थ के लिए यूज़ में लिया जाता है। बनाना पील फर्टिलाइज़र पेड़ पौधों में डालने से आपके पेड़ पौधों की ग्रोथ अच्छी होती है। तो आपको इसको पानी में छिलकों को ड्राई करके भी डाल सकते हैं, फ्रेश छिलका भी डाल सकते हैं। ऐसा करने से केले का अपमान भी नहीं होगा और आपको लाभ भी मिल जाएगा। केले के छिलके कभी भी डस्टबिन में ना डालें, जिसमें आप झूठा भोजन डालते हैं उसमें नहीं डालें। वैसे आप चाहें तो पीली गाय को केले खिला सकते हैं, इससे भी आपको बृहस्पति की उन्नत स्थिति प्राप्त होगी। गुरुवार के दिन हल्दी मिश्रित पानी से केले के पेड़ का सिंचाई करें और बृहस्पति मंत्र का जाप करें तो आपको लाभ मिलता है, बृहस्पति शुभ हो जाता है। स्पेशली जिन लड़कियों का विवाह में बाधा आ रही है, उनको तो गुरुवार को पीली गाय को चने की दाल खिलानी चाहिए और केला भी खिलाना चाहिए, स्वयं केले का सेवन नहीं करना चाहिए। केले का पेड़ कभी भी घर में नहीं लगाना चाहिए, ये आपके घर में तमाम प्रॉब्लम्स लेके आता है। घर के बाहर केले का पेड़ लगा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। वैसे तो आपको मंदिर में जाके केले के पेड़ का पूजन करना चाहिए, इससे आपको लाभ मिलता है। केले के पेड़ की जो जड़ होती है उसको पीले कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी में रखें, धन स्थान पूरित हो जाएगा। इतना धन आएगा कि संभाले नहीं संभलेगा। केले के पेड़ की जड़ पीले कपड़े में बांधकर ताबीज की तरह आप पहनते हैं तो आपकी शादी जल्दी हो जाती है। किसी भी काम में नीयत अच्छी होनी चाहिए, श्रद्धा भाव होना चाहिए, तभी वो काम फलीभूत होता है। हमने अनेक उपाय लोगों को बताए हैं तो शिकायत आती है कि हमको इसका लाभ नहीं मिला, उसका लाभ नहीं मिला, तो कैसे मिलेगा? आपकी भावना ही शुद्ध नहीं है, आप तमाम तरह की नेगेटिव थिंकिंग करते हैं तो आपको कैसे लाभ मिलेगा? तमाम तरह की नेगेटिव थिंकिंग जिस दिन त्याग देंगे उसी दिन आपको लाभ मिलना चालू हो जाएगा, करके देखेगा। गुरुवार के दिन केले के पेड़ के समक्ष चने की दाल अर्पित करें, हल्दी वाला जल अर्पित करें और पीली बत्ती का दिया लगाएं और गुरु मंत्र का जाप वहाँ बैठे बैठे ही करें, बृहस्पति मंत्र का जाप करें तो अत्यंत आपको लाभ मिलता है। वर्ष में किसी भी गार्डन या मंदिर में पांच केले के पेड़ जो लगाता है उसके घर में कभी गरीबी नहीं आती, लेकिन अपने खुद के घर में नहीं लगाना चाहिए। तो आई होप आज की वीडियो आपके लिए यूज़फुल रही होगी। इन नियमों का पालन करें, तब देखें गुरु कैसे मजबूत नहीं होता। विवाह शिक्षा में बाधा आ रही है तो ये उपाय बहुत कारगर हो सकता है, तो करके देखिए और अपने अनुभव हमारे साथ शेयर करिए। हम हैं एस्ट्रोलॉजर और वास्तु कंसल्टेंट डॉक्टर उमा श्री। हम अपने यूट्यूब चैनल अयोध्या व्लॉगर में आपका स्वागत करते हैं। आई होप आप सब खुश होंगे, मैं भी बहुत खुश हूँ। मित्रों, तो समाप्त करती हूँ आज की चर्चा और फिर हाजिर होंगी नई वीडियो के साथ में। थैंक यू सो मच।